सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट, दबाए बेल आइकन और पाएं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें सबसे पहले। मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों की रियल लाइफ भी किसी फिल्म से कम नहीं होती। डेटिंग, रिलेशनशिप, प्यार, शादी, कभी कभी तलाक भी इनकी फिल्मी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। इन्होंने तलाक ले लिया है, इसलिए आप ये ना सोचिए कि ये सेलिब्रिटीज पूरी तरह एक दूसरे से अलग हो गए हैं। ये भले तलाक शुदा है मगर एक दूसरे के सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वैसे इनके एक साथ आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कभी अपने बच्चों के लिए तो कभी एक दूसरे पर आई मुसीबतों के लिए। आइए आपको मिलाते हैं ऐसे ही कुछ बॉलीवुड कपल से। ऋतिक रोशन और सुजैन खान की आपसी समझदारी इतनी अच्छी है कि तलाक के बाद भी ये दोनों अक्सर साथ दिखाई देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और बच्चों के साथ रेगुलर छुट्टियां भी मनाते हैं। ऋतिक और कंगना के बीच छिड़े युद्ध से तो आप वाकिफ ही होंगे, और जब कंगना ने ऋतिक के बारे में कमेंट्स किए तब उनकी वाइफ सुजैन ने ऋतिक का साथ दिया है। हाल ही में जब एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में कंगना ने ऋतिक से अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की और उनसे माफी मांगने के लिए कहा तो सुजैन ने ऋतिक का साथ देते हुए ट्वीट किया और लिखा, किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप या दुख भरी कहानी किसी अच्छी आत्मा पर दबाव नहीं डाल सकती। सच की ताकत बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। इसके अलावा उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ अपनी एक फोटो भी शेयर की जिसमें दोनों काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल 2016 में बॉलीवुड के खान परिवार में सलमान खान के भाई अरबाज का तलाक भी कई चर्चाओं में शामिल था। तलाक के बाद अरबाज ने भी अपने सोशल मीडिया पर येलो मेहरा नाम की बिजनेस वुमेन के साथ अपनी फोटो शेयर की थी, जिसे अफवाहों की खूब गर्माहट मिली। लेकिन जब बात होती है बच्चों और परिवार के साथ समय बिताने की तो ये अक्सर साथ दिखाई देते हैं। फरहान और अधुना के अलग होने की खबरों ने भी कम बवाल नहीं मचाया था। पिछले साल अधुना को तलाक देने के बाद फरहान की लाइफ आगे बढ़ी और इसमें शामिल हुई अभिनेत्री श्रद्धा कपूर। हालांकि दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों के किस्से अब आम हो चुके हैं मगर दोनों ने कभी इन खबरों पर रिएक्ट नहीं किया। बावजूद इसके फरहान अक्सर अधुना से मिलते हैं और बच्चों के साथ ट्रिप भी करते हैं। साल 1986 में आमिर खान ने रीना दत्त से शादी की थी और साल 2002 में उन्होंने इनसे तलाक भी ले लिया था। हालांकि आमिर और रीना ने भी तलाक के बाद एक दूसरे को नजरअंदाज नहीं किया। बच्चों को लेकर भी ये दोनों एक दूसरे से काफी फ्रेंडली हैं। रणवीर शौर्य और कोंकणा सेन शर्मा ने साल 2010 में शादी की थी और 5 सालों बाद उन्होंने तलाक ले लिया। हालांकि हाल ही में कोंकणा ने रणवीर को फिल्म डेथ इन द गंज में डायरेक्ट किया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।